हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स पकौड़ा। ये एक टी टाइम स्नैक्स है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और डिस्क्रिप्शन में चटनी और सॉसेस की लिंक दी हुई है, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में 1 कप कटी हुई प्याज लेंगे। हमने इसे स्लाइसेस में कट किया है। अब हम लगभग 2 टेबल स्पून कटी हुई धनिया की पत्तियाँ, 1 टेबल स्पून कटे हुए लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक कटे हुए, हरी मिर्च कटी हुई, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, करी पत्ते, और अब हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इन सभी को हम एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप्स ओट्स लेंगे। हमने क्विक ओट्स लिए हैं। अब हम 1/4 कप बेसन लेंगे। आप चाहें तो चावल का आटा या पोहा का पाउडर भी ले सकते हैं। इन सभी को हम एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे। हाथों की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे। हमें तब तक वाटर ऐड करना है जब तक हमें लगे कि ये पकौड़े जैसा इसका टेक्सचर हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि पकौड़े जैसा बन रहा है या नहीं। अगर ये बन रहा है तो हम इसे 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट्स के बाद हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और पकौड़े के मिक्सचर को एक बार मिक्स करेंगे और पकौड़ी का शेप देंगे। गर्म तेल में हम इसे डालेंगे। एक साथ लगभग हम कई पकौड़े तल सकते हैं। इस रेसिपी को हमें डीप फ्राई ही करना है। एक साथ लगभग हम 8 से 9 पकौड़े तल सकते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे 5 to 7 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में पलटते रहेंगे। 5 to 7 मिनट्स के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे और फिर एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और फिर इसे एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे ही हम सारे पकौड़े तल लेंगे। अब सारे पकौड़े तल चुके हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी चटनी या सॉसेस के साथ खा सकते हैं। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नर्म। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।